समस्तीपुर पुलिस ने चर्चित रोसड़ा उप मुख्य पार्षद पति अरुण महतो हत्याकांड मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 3 अपराधियों के पहचान रोसड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले राजा झा उर्फ साकेत, राजेश कुमार मंडल उर्फ खन्ना और मुजफ्फरपुर जिले के विकी कुमार के रूप में हुई है। इस संबंध में SP विनय तिवारी का बताना है कि चुनावी रंजिश की वजह से अरुण महतो की हत्या की गई थी, जिसकी साजिश रोसड़ा के रहने वाले राजा झा उर्फ साकेत ने रची थी। राजा झा ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि राजा झा और मृतक अरुण महतो के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें मुख्य पार्षद के लिए वो राजा झा को सपोर्ट करे और उप मुख्य पार्षद पद के लिए राजा अरुण महतो को सपोर्ट करेगा। राजा झा ने अरुण महतो को चुनाव लड़ने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन राजा झा चुनाव हार गया और अरुण महतो की पत्नी चुनाव जीत गई। राजा झा को खबर मिली कि अरुण महतो ने उसे चुनाव में सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से वो चुनाव हार गया, जिसके बाद राजा के अपने मित्र सुभाष झा को अरुण महतो की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दे दी। सुभाष झा ने अपने अन्य अपराधी दोस्तों के साथ रोसड़ा में किराए की मकान लेकर अरुण महतो की रेकी करने लगा। जनवरी 2023 से ही अरुण महतो की हत्या के लिए रेकी की जाने लगी थी। आखिरकार 7 सितंबर को सुभाष झा एक बाइक से 2 अपराधियों के साथ गांधी चौक के पास स्थित एक नाश्ते के दुकान पर बैठा था, तभी उसे अरुण महतो के आने की सूचना मिली, जिसके बाद सुभाष अपने प्लान के अनुसार अकेले पैदल सड़क से गुजर रहे अरुण महतो पर गोली चला दी और तीनों एक साथ दलसिंह सराय की ओर भाग निकले। 6 अपराधियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिसमें 3 की गिरफ्तारी की गई है और 3 अभी भी फरार है, जिसमें मुख्य शूटर सुभाष झा की तलाश के लिए पुलिस जगह जगह उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त एक देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस के साथ अन्य सामान भी बरामद किया है। वहीं SP विनय तिवारी ने इस हत्याकांड खुलासे को लेकर SIT में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। उन्होंने इसके लिए DIU प्रभारी मुकेश कुमार समेत अन्य पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करते हुए बधाई भी दी है। 7 सितंबर को रोसड़ा थाना में केसरी सेवा सदन के पास रोसड़ा की जो नगर परिषद है, उसकी जो वाइस चेयरपर्सन है, उनकी पत्नी और उनके जो पति हैं अरुण कुमार महतो, उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। काफ़ी सनसनीखेज और संवेदनशील कांड था रोसड़ा शहर के अंतर, बिल्कुल शहर में ही। और अरुण महतो जो कि उनकी पत्नी वाइस चेयरपर्सन थी, पॉलिटिकल क्लाउड था इनका, ये लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय थे नगर परिषद क्षेत्र में। उनकी हत्या कुछ अज्ञात अपराधियों ने कर दी थी 7 तारीख को। इस घटना में SDPO रोसड़ा के नेतृत्व में, एक चरण कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, जिसमें SHO रोसड़ा, SHO विभूतिपुर, साथ ही DIU से मुकेश कुमार, टाउन थाना प्रभारी विक्रम आचार्य, सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार DIU से, सब इंस्पेक्टर सनी कुमार, राहुल कुमार, राजन कुमार और रोसड़ा थाना से सब इंस्पेक्टर निरंजन कुमार और पूसा थानाध्यक्ष चंद्रकांत गौरी और मुसरी घरारी थानाध्यक्ष पंकज कुमार, इन लोगों की ये टीम थी जो लगातार इसमें कार्य कर रही थी। इस टीम ने इस केस का उद्भेदन कर लिया है। आज करीब 8 दिन हुए हैं घटना के बाद, 8 दिन के अंदर इस केस का उद्भेदन हुआ है, 9वें दिन अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। जब इस घटना हुई थी तो FIR में 6 लोगों का नाम लिखवाया गया था, 6 अलग अलग एंगल दिए थे। ये घटना का उद्भेदन एक बड़ी चुनौती थी रोसड़ा पुलिस के लिए, समस्तीपुर पुलिस के लिए, और SIT ने जो नाम दिए गए थे डायरेक्ट उन नाम पर गिरफ्तार नहीं किया था, क्योंकि हम लोग घटना के पीछे का पूरा एंगल जानना चाहते, जो भी नाम दिए गए थे उसके पीछे अलग अलग कारण बताया जा रहा था, हर नाम के पीछे एक अलग कहानी थी, तो ये बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा था, ये ब्लाइंड केस नहीं था। लोग नाम तो बता रहे थे कि किसने घटना की है, लेकिन उसके पीछे का एंगल क्या है और कौन अपराधी है, कौन शूटर है, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा था, इसलिए बड़ा चुनौतीपूर्ण एक केस था। इस घटना का उद्भेदन हो गया है। इस घटना में SIT ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, राजा झा उर्फ साकेत कुमार जो कि पहले भी हत्या केस में जेल जा चुका है, राजेश कुमार मंडल उर्फ खन्ना और विकी कुमार जो कि मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। 3 अपराधी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, टोटल 6 अपराधियों ने घटना की है। जब इस घटना के बारे में पूछताछ हुई और जो पूरा इन्वेस्टिगेशन लोगों ने किया, तो उससे स्पष्ट हुआ कि इस घटना की शुरुआत हुई थी, इस घटना के जो तार हैं वो जुड़ते हैं नगर परिषद चुनाव से। वर्ष 2022 में जो नगर परिषद का चुनाव हुआ था, उसमें जो अपराधी राजा झा हैं, राजा झा और साकेत कुमार जो कि वार्ड नंबर 15 का ही रहने वाला है, ये चेयरपर्सन पद के लिए खड़ा हुआ था और जो अरुण कुमार महतो हैं उनकी पत्नी वाइस चेयरपर्सन पद के लिए खड़ी हुई थी। तो जब इन लोगों के बीच में, अरुण कुमार महतो और राजा झा के बीच में पहचान थी, बोलना चलना था और दोस्ती थी, इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने की योजना बनाई और वोट ट्रांसफ़र का की पॉलिटिकल
वो ट्रांसफ़र होगा, ये उनको सपोर्ट करेंगे, वो उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब चुनाव हुआ, चुनाव के रिजल्ट आए, तो वर्तमान चेयरमैन जो है श्याम बाबू वो जीत गए और राजा शाह हार गए। साथ ही अरुण कुमार महतो जो है उनकी पत्नी चुनाव जीत गई और धीरे धीरे अरुण कुमार महतो का एक पॉलिटिकल जो कद है वो बढ़ने लगा। तो उसी राजनीतिक संजिश में चुनाव हारने की जो रंजिश थी उसका बदला लेने के लिए, और इनको राजा झा को उसी समय शक हुआ कि इनके द्वारा, अरुण कुमार महतो के द्वारा जो वोट ट्रांसफ़र है और चुनाव में सपोर्ट नहीं किया गया, और अरुण कुमार महतो के बढ़ते हुए पॉलिटिकल कद को देखते हुए इन्होंने हत्या की योजना जनवरी 2023 से ही बनाने की शुरुआत कर दी थी। राजा झा जो कि पूर्व में भी जेल में रहा हुआ है, मुजफ्फरपुर में जेल में 2013 के बाद ये रहा हुआ है, वहाँ पर एक हत्या के केस में बंद था, ये करीब 6 से 7 साल वहाँ रहा है। उस समय जब ये जेल में था तो वहाँ इसकी पहचान जो एक सुभाष झा नाम के क्रिमिनल से हुई थी। सुभाष झा भी कुख्यात अपराधी है और ये लगातार मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली इन क्षेत्रों में घटना करता रहा है, लूटपाट भी, डकैती भी और कॉन्ट्रैक्ट शूटिंग का काम भी इसने किया है। तो जब ये उससे परिचित था, तो जब इसने घटना की योजना बनाई, तो अप्रैल माह में सुभाष झा जब यहाँ पर आया राजा झा के पास, तो इन दोनों की दोस्ती हुई और इन लोगों ने बताया कि सुभाष झा ने राजा झा से कुछ काम मांगा और राजा झा को चूंकि ये घटना करानी थी, उसने इस घटना का जो ठेका है वो सुभाष झा को दे दिया। सुभाष झा को ठेका देने के बाद इस ठेके की बातचीत जो है वो 5 लाख में डन डील हुई कि 5 लाख रुपए देंगे और अग्रिम राशि जो है 3 लाख वो रोसड़ा में ही अपने घर पर ही राजा झा ने सुभाष झा को दे दी थी। 3 लाख रुपए दे दिए थे और बाकी 2 लाख घटना के बाद देने थे। इसके बाद सुभाष झा वापस मुजफ्फरपुर जाता है और अपने पुराने जो उसके दोस्त हैं आपराधिक जगत के, जो उसके पहचान के लोग थे, उनसे संपर्क करता है और विभूतिपुर थाना क्षेत्र में भी कुछ लोगों से इसने संपर्क किया, वो भी हम लोगों के पास जानकारी प्राप्त हुई। संपर्क करने वाले इसने एक टीम बनाई जो घटना करेगी। अप्रैल से ही इस घटना की तैयारी चालू हुई, 2-3 बार इन लोगों ने अटैम्प्ट लिया, लेकिन बीच में विभूतिपुर थाना क्षेत्र में ही एक डेयरी फार्म के संचालक के साथ लूटपाट हुई थी, उसमें जो अपराधी गिरफ्तार हुए थे वो सुभाष झा के साथी ही थे, उन्हीं के साथ ही मर्डर करने की योजना थी, लेकिन बीच में ही जून या जुलाई के आसपास ही ये साथी इसके पकड़े गए। जब ये साथी जुलाई में पकड़े गए तो इनकी जो योजना थी मर्डर करने की वो कुछ दिन के लिए पोस्टपोन हो गई, क्योंकि सुभाष झा के जो साथी थे वो पकड़े गए थे। फिर सुभाष झा ने अपने 2 और साथियों से संपर्क किया, एक मोहम्मद अबरार जो कि गरौल थाना का रहने वाला है वैशाली का, और विक्की कुमार जो कि मिठनपुरा मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। इन दोनों से संपर्क करने के बाद ये फिर इन लोगों का प्लान द्वारा से तैयार हुआ, लेकिन सावन माह में करीब 7 से 8 बार सुभाष झा इधर आया रोसड़ा में घटना करने के लिए, लेकिन ये जैसा हम लोगों को पता चला है कि ये सोमवार के दिन इन लोगों ने अटैम्प्ट लिया था, लेकिन सावन के चलते हुए मार्केट में भीड़ और तरह तरह की उसके चलते हुए ये सावन माह में और उसके अधिक मास में भी ये घटना नहीं कर पाए। जब घटना नहीं हो पाई तो फिर 1 सितंबर को पुनः ये लोग यहाँ आते हैं दलसिंह सराय का, चूँकि सुभाष झा रहने वाला है जिसका लगातार आना जाना रहता है, अपने घर से एब्सकॉन्डिंग था, पुलिस भी इसको काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी। उसके बाद 5 सितंबर को सुभाष झा अपने साथी के साथ दलसिंह सराय पहुँचता है और घटना करने की पूरी जो प्लानिंग थी वो 7 सितंबर की डेट रखी जाती है। 5 सितंबर को रात में दलसिंह सराय में ये गैराज में अपने मित्रों के साथ रुका था और 6 सितंबर को सुबह सुबह ये लोग यहाँ पहुँचे रोसड़ा में। पहुँचने के बाद एक दुकान पर इन लोगों ने चाय वगैरह पी है और उसके बाद सुभाष झा लोकल से चूँकि परिचित था, वो राजा झा से मिलने आता जाता रहता था, तो उसने एक लॉज ढूंढी, तो एक आदित्य ठाकुर की लॉज है जिस लॉज में इन लोगों ने लॉज वालों को बेवकूफ़ बनाया कि हम 3 पढ़ने वाले लड़के हैं और हमको अगले 1500 रुपये की उनकी बात हुई लॉज में एक कमरा लेने की कि हमको महीना भर कमरा लेना। लॉज वाले ने भी, जो हम लोग बार बार कहते रहते हैं कि किसी भी आदमी को आप कमरा दें तो आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ले लें, उनने भी बहकावे में आकर के आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह नहीं लिया और उनको सिर्फ रूम में रहने के लिए अलाउ कर दिया। तो एक रात ये लोग उस घर में रुके 6 तारीख को। 6 तारीख को ही राजा झा ने अपने एक साथी छोटू को और राजेश कुमार मंडली, राजा झा के दोनों साथी, एक ड्राइवर है उसका और एक उसका साथ में काम करता है, तो इन लोगों को इन्होंने एक बैग दिया था राजा झा ने कि सुभाष को एक बैग डिलीवर, उस बैग में हथियार थे और पैसा भी था। वो बैग और हथियार राजा इनके अरुण कुमार महतो के घर के पास ही कुछ दूरी पर एक मंदिर है, उस चौराहे पर डीलिंग हुई थी बात देने की, वहीं पर छोटू और राजेश कुमार मंडल ने वो बैग दे दिया जिसको हम लोगों ने CCTV फुटेज में भी देखा है, वहाँ वो बैग दे दिया। बैग देने के बाद ये अपराधी वो हथियार लेकर के जिस लॉज में रुके थे उस लॉज में चले गए। रात भर इन लोगों ने उस लॉज में स्टे किया। स्टे करने के बाद, चूँकि ये लोग रेकी पहले से कई बार कर चुके तो कई बार असफल भी हो चुके थे सावन मास में, तो कई बार इन लोगों ने बताया पूछताछ में कि सावन मास में 3 से 4 बार ये लोग आए और असफल हो गए। उसके बाद 7 तारीख की सुबह जब ये इनको पता था कि 7 से 8 के बीच में जो मृतक अरुण कुमार महतो हैं इनका अपना एक साइकिल स्टैंड चलता है, तो 7 से 8 के बीच में पैदल अपने घर से निकल के साइकिल स्टैंड तक जाते थे। वो समय इन लोगों ने नोट किया हुआ था और घर भी देखा हुआ था। राजा झा ने ही सुभाष झा को ले जाकर घर पहले दिखाया था। देखने के बाद उनको जानकारी थी समय की भी। उसके बाद ये सुबह सुबह निकलते हैं 6 बजे अपने घर से, एक रोसड़ा स्टेडियम में ये लोग कुछ देर वेट करते हैं और उसके बाद 7 से 8 के बीच में घर के आसपास 2-3 चक्कर लगाते हैं और घटनास्थल पर जब मृतक पहुँचते हैं वहाँ पर सुभाष झा और विक्की कुमार ये दोनों फायर करते हैं और इससे जो मृतक हैं उनको आने तो उनको गोली लगती है, भागते हैं, तुरंत उनकी डेथ हो जाती है। इस घटना के बाद
FIR दर्ज की गई थी और SIT बनाई गई थी। तो इस घटना में जो देसी पिस्टल प्रयुक्त हुई थी उसको बरामद किया गया, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, विक्की का मोबाइल बरामद किया गया और अपराधकर्मी विक्की ने जो कपड़े पहने हुए थे उस घटना के दौरान, जो कि CCTV फुटेज में अखबार में भी निकला था, वही कपड़े भी बरामद हुए हैं। तो इस घटना की जो पूरा अनुसंधान था, उस अनुसंधान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को CCTV फुटेज थी। CCTV फुटेज के आधार पर अभियुक्तों का चेहरा स्पष्ट हुआ और उसके बाद टेक्निकल अनुसंधान हुआ और अभियुक्तों का पता चला और पूरा षड्यंत्र इसमें हुआ। तो इसमें टेक्निकल वर्क में हमारी टीम में अखिलेश कुमार ने बहुत अच्छा टेक्निकल वर्क किया है, CCTV टीम में सनी कुमार, राहुल कुमार और राजन कुमार ने बहुत अच्छा वर्क किया है, और जो मेन अभियुक्त हैं राजा झा, इनकी गिरफ्तारी में सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। हम लोगों को जब इनके बारे में संलिप्तता के बारे में पता चला, चूँकि ये 6 लोग थे और ये 6 अपराधी जिनको FIR में नाम दिया गया था, 6 अभियुक्तों का जो नाम दिया गया था उसमें से एक राजा झा का भी नाम था। तो राजा झा को जब पता चला कि CCTV फुटेज बाहर आ चुका है तो उसके बाद ये घर छोड़ चुका था। 7 तारीख की घटना है, 10 तारीख को ही ये अपना फ़ोन बंद करके और घर छोड़ चुका था। हम लोगों को सूचना मिली थी कि बाहर निकला हुआ है, उसके बाद टीम लगातार इसके पीछे थी और विद इन 24 आवर्स जब जानकारी मिली कि इन्होंने ही घटना कराई और एविडेंस हम लोगों के पास आ गए, उसके बाद 24 घंटे के अंदर टीम ने राजा झा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो टोटल 3 अपराधी गिरफ्तार हैं, घटना में प्रयुक्त जो देसी पिस्टल है वो गिरफ्तार है, सुभाष झा की गिरफ्तारी रह गई है, उसके लिए हमारी टीम कार्य कर रही है और शीघ्र ही सुभाष झा की गिरफ्तारी भी की जाएगी। कुल मैंने आपको बताया इसमें छोटू राजेश मंडल जो कि जिन्होंने हथियार पहुंचाया था, राजा झा जिन्होंने इस घटना को शुरुआत की, प्लान किया, पैसे दिए, सब कुछ राजा झा ने किया, और 3 शूटर थे। 3 शूटर में से 1 शूटर पकड़ा जा चुका है, बाकी दोनों शूटर अभी पकड़ने बाकी हैं, और वो 2 लोग जो बैग देने में थे उनमें से 1 आदमी पकड़ा गया है, 1 पकड़ना बाकी है, और मुख्य अभियुक्त जो है जो पूरी घटना जहाँ से शुरू हुई राजा झा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। राजा झा की गिरफ्तारी कहाँ से की गई है? राजा झा की गिरफ्तारी की गई है समस्तीपुर से ही, और गिरफ्तारी के बाद इनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। सर इसमें नामजद जो अन्य अभियुक्त हैं इनमें इनकी संलिप्तता आई है क्या? पूरा स्पष्ट किया, पूरा घटना का उद्भेदन हो गया है, तो पूरी घटना जो है वो राजा झा ने कराई थी, तो अन्य किसी अभियुक्त की संलिप्तता इसमें नहीं है। बाकी जो नाम दिए गए थे 5 नाम, वो 5ों नाम जो है निर्दोष है इस घटना में, और पूरी की पूरी प्लानिंग और घटना करने का जो जिम्मेदारी थी वो राजा झा ने ली थी। उसने ही शूटर हायर किए थे, उसने ही पैसे का प्रबंध कराया था, पैसे दिए थे, और हथियार का प्रबंध भी उसी ने कराया था। राजा झा की गिरफ्तारी कब हुई? कल ही हुई।